हम एक बार उस बेसिक कहानी पर चलते हैं जिस कहानी में हमने देखा कि एक पिता और पुत्र हैं और पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी और पुत्र फिर भी इच्छुक है कि वो पिता से अलग होकर अलग रहे और पिता को दुख तो होता है पर क्योंकि ये पुत्र की इतनी इच्छा है इसलिए पिता हाँ कर देते हैं। ये तो फिलॉसफी है और उस फिलॉसफी में वो जो ईश्वर हैं पिता जिसको हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं वह सगुण होकर, अगर मेरा नाम मीनाक्षी है तो वो सगुण ब्रह्म मैं बनकर मेरे साथ यहाँ आ गए हैं। निर्गुण सगुण बन गए, निर्गुण अपनी जगह और उनका एक अंश सगुण मैं बनकर यहाँ पर है। ये तो फिलॉसफी रही। आप इसको अगर रियल लाइफ हमारे जीवन से जोड़ें तो एक पिता से जब एक पुत्र चाहे कितना लड़ ले, झगड़ ले, कुछ भी कर ले और अलग हो जाए तो उसके मन में ग्लानी होना स्वाभाविक है। एक बारी को अगर वो पिता बहुत सताते भी होंगे तो भी वो पेरेंट चाइल्ड का रिश्ता ही कुछ ऐसा है, रिश्ते का नेचर ही कुछ ऐसा है कि वह पुत्र ग्लानी महसूस करे बगैर नहीं रहेगा। मैं अलग हो गया, मैंने दुख दिया है, मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने गलत किया, ये ह्यूमन है। अब हम वापस फिलॉसफी पर जाते हैं, उस फिलॉसफी में जिसमें कि ईश्वर रूपी पिता से एक अंश सेपरेट होना चाहता है। पुत्र कहता है कि मैं तो अलग होना चाहता हूँ, आप जो दे रहे हो उसमें कहीं कोई कमी नहीं, पर मैं अपनी मर्जी से अपने चॉइसेस करके अपने पावर को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो मुझे चॉइस करने का अधिकार है और मैं उस अधिकार को भोगना चाहता हूँ और इसलिए मैं अलग होना चाहता हूँ। अब ईश्वर से इंसान इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ईश्वर इंसान बनकर इस धरती पर हैं ताकि जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद जन्म के बाद वह इंसान वापस ईश्वर बनकर उसमें समा जाएं। ये थोड़ा मुश्किल है समझना बट इसको समझिएगा, ईश्वर इंसान बने ताकि इंसान ईश्वर बन सके। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि बेसिकली अगर हम कहते हैं कि ईश्वर दिखते नहीं हैं, देखिए एनर्जी एनर्जी दिखती नहीं है, एनर्जी मैटर बनती है, तत्व बनती है, हम इन पांच तत्वों से बने हैं, तो एनर्जी देखा नहीं जा सकता। वो एक वाइब्रेशन है जिसकी स्पीड इतनी है कि आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, अदृश्य है वो। और इंसान बनने के लिए वो वाइब्रेशन का स्तर बहुत गिरना पड़ा ताकि वो ठोस हो सके और इंसान बन गया, हम इंसान के रूप में
यहाँ आ गए। हमारे अंदर वह अंश मौजूद है, ऑल द टाइम मौजूद है। वो हाई फ्रीक्वेंसी जिसको हम गॉड कहते हैं, वो हमारे एनर्जी में ऑलरेडी मौजूद है। एक वो, पर इंसान कभी नहीं भूल पाया कि वह अपने पिता से अलग हुआ है, और अलग होने की चाह रख कर और उस चाह की पूर्ति करवा कर इंसान ने गलत ज़रूर किया। ये जाने अनजाने में यहाँ नहीं है हमारे, पर ये हम सब के सिस्टम का एक पार्ट है। अच्छा नहीं किया हमने, अलग होकर अच्छा नहीं किया। ये जितनी बार इंसान जन्म लेगा, जितने इंसान जन्म लेंगे, उनके अंदर ये एक फीलिंग कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये ही है वो अनकॉन्शियस गिल्ट। अनकॉन्शियस का मतलब उस बेसिर पैर, हमें नहीं पता, हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो मासूम बच्चों की तरह पैदा हुए, हमने क्या किया? हाँ, नहीं किया। परंतु वह जो सेपरेशन हुआ है, हमारा पेरेंट गॉड है, वहाँ से हम जो सेपरेट होकर यहाँ आ गए, वह कारण बन गया अनकॉन्शियस गिल्ट का। अब इसको हम ढोते चले जाएंगे, हर जन्म में ढोएंगे। फिर क्या होता है, एक लाइफ टाइम ऐसी जरूर आती है जब इंसान को लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं चाहिए, बहुत सफरिंग हो गई, अब कैसे भी इसको एंड करना है। जिस लाइफ टाइम में इंसान को ये बात समझ में आ जाए कि मैंने जो चॉइसेस किए लाइफ में, उन चॉइसेस से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे में उतनी सोच और समझ, इतनी मैच्योर इंटेलिजेंस नहीं है कि मैं सही चॉइस कर लूँ। कभी मैं गलत चॉइस करता हूँ, कभी सही चॉइस करता हूँ, कभी कोई काम चल जाता है, कभी नहीं चलता, कभी कैसे रहता है और कभी कैसे रहता है। इसलिए कहीं मेरे चॉइसेस सही नहीं है, अब तू जो दे उसमें मैं खुश। तो ये जो पॉइंट आता है, अगर हम हर लाइफ टाइम में बहुत अच्छा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी है, हमें सोसाइटी में नाम है, हमारा स्टेटस बड़ा अच्छा है, हमारा सब कुछ ठीक है, तो इंसान वहाँ जाना ही क्यों चाहेगा? क्यों चाहेगा अपने पिता के पास लौटने को? और पिता के पास लौटने का हम फिलोसॉफिकल मतलब नहीं ले रहे कि कभी धरती पर ना आए, ये मतलब नहीं है। सिर्फ ये मतलब है कि हम अपने ईगो को एक एजेंट या एजेंसी के रूप में बिल्कुल छोड़ दें। अगर ये हमारा जन्म है जिसमें कि हम वो चॉइस करेंगे, तो भी हमें इसके बाद भी बहुत 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 जन्म लेने पड़ेंगे पूरी तरीके से उस जगह पर आने को, जिसके बाद यहाँ लौटना ना हो। कई 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 जन्म होंगे, वहाँ तक तो अपन सोच ही नहीं रहे, अपन केवल इस जन्म की सोच रहे हैं। अभी सफरिंग का एक स्पिरिचुअल पर्पस जरूर होता है। एक बार सफरिंग आए, फिर बाकी लाइफ सुखी हो जाए, तो हमारा ध्यान उस सफरिंग पर से हटकर सुखी लाइफ पर रहेगा। पर जब सफरिंग ही एक साइकिल की तरह हमारे लाइफ में चलती रहे, तो हम एक ना एक दिन ज़रूर उठकर बैठ जाएंगे और पूछेंगे अपने आप से कि मेरे साथ ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। उस दिन फिर हमें समझ में आएगा कि वो दो एजेंट्स में से, ईश्वर एक एजेंट और
ईगो एक एजेंट जिसको हम ईगो कह रहे हैं, ईगो वो नहीं मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ईगो क्या है हम उसको भी समझेंगे। तो हमारा काम, देखिए पेन ड्राइव मेटाफर में, ना तो मैं पेन ड्राइव, ना मैं वो कंप्यूटर जिसके पास स्क्रीन है, और ना ही मैं वो इंटरनेट फैसिलिटी या बैटरी या इलेक्ट्रिसिटी, मैं तो वो व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठकर पेन ड्राइव में क्या क्या फोल्डर्स हैं उसको मैं स्क्रीन पर आते हुए देखकर और उसमें करेक्शन करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। क्या है ये पेन ड्राइव और स्क्रीन पर झलकने वाले फोल्डर्स का करेक्शन? क्या हम 100 चीज़ों को, 150, 200 चीज़ों को, 500 चीज़ों को करेक्ट करने बैठेंगे क्या? नहीं, हमें केवल एक चीज़ का करेक्शन करना है। हमारे एक चीज़ का करेक्शन केवल इतना सा है कि अब मुझे मेरी एजेंसी नहीं चाहिए, अब मुझे केवल आपकी एजेंसी चाहिए। ये एजेंसी मैंने छोड़ा, नहीं चाहिए मुझे पावर, पावर ऑफ चॉइस छोड़ता हूँ मैं, छोड़ती हूँ। इसका क्या मतलब है कहीं आगे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़, ये सिंगल करेक्शन है जो कठिन है वो ठीक है, पर ये ही एक करेक्शन वो पेन ड्राइव एक्चुअली मांग रहा है। ईगो के माध्यम से हम जो भी चॉइसेस करेंगे वो कभी सही होगा, कभी गलत होगा, हमेशा गलत नहीं होगा, कभी सही होगा, कभी गलत होगा, कभी सही होगा, कभी गलत होगा। लाइफ ऐसी चलती रहेगी और फिर एक लाइफ ऐसा आएगा जिसमें गलती गलत, गलती गलत होता चला जाएगा। तो स्पिरिचुअल पर्पस सफरिंग का ये है, हमें जगाने को कि अब जगो और अपनी ईगो एजेंसी को छोड़ दो। ये सफरिंग का स्पिरिचुअल पर्पस है। ये ईगो आखिर क्या है? हमने देखा कि ईश्वर रूपी पेरेंट को छोड़कर जब इंसान यहां आता है तो नेचुरली गिल्टी फील करता है, अनकॉन्शियस गिल्ट। जब वो फीलिंग रहती है, क्योंकि हम पेन ड्राइव्स हैं, हमें हमारे अंदर नजर नहीं आएगा, पेन ड्राइव को कभी भी नजर नहीं आ सकता कि उसके अंदर क्या क्या फाइल एंड फोल्डर है। उसको तो स्क्रीन या डिवाइस चाहिए, और अब वो उस पेन ड्राइव में ये अनकॉन्शियस गिल्ट है, तो बाहर किसी न किसी को उसका टारगेट, निशाना बनना पड़ेगा। और हमारे सबसे पहले टारगेट्स हमारे पेरेंट्स होते हैं। हम गुस्सा अपने पेरेंट्स पर नहीं करते, हमें समझ नहीं होती, बट वही, आप वो पहला वीडियो वापस सुनिए, इंस्टिंक्ट, फीलिंग, थॉट, बिहेवियर। बहुत छुटपन में इंस्टिंक्ट, अनकॉन्शियस गिल्ट की वजह से इंस्टिंक्ट, मैं सेफ नहीं हूँ, समहाउ चीज़ें वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, वो फीलिंग धीरे धीरे, वो इंस्टिंक्ट धीरे धीरे फीलिंग बन जाएगी। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, बच्चा अपने ऊपर ले लेगा, शायद मैं जिम्मेदार हूँ इन लोगों के दुख के लिए, अनकॉन्शियस गिल्ट ये सारा करा रहा है। और थर्ड स्टेज पे और बड़े हो जाते हैं, तब तक हमारा और ईगो बड़ा हो गया, हम बगैर जाने, यहाँ से हमारे माँ बाप के खिलाफ कुछ नहीं सोचते, पर हम अपने पेट में जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कह रहे हैं, वहाँ जजमेंट्स शुरू हो गए, ये ठीक से नहीं चल रही, ये इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रही, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये यूँ जो भी है। तो ये अनकॉन्शियस गिल्ट हमें सब कुछ बाहर दूसरों को टारगेट बना बना कर जो डाल रहा है,
हमें तो पता है पेन ड्राइव मेटाफर में तो कोई है ही नहीं बाहर, चाहे माँ दिखे, बाप दिखे, फादर दिखे, अंकल दिखे, चाचा दिखे, कोई भी दिखे, बाल बच्चे दिखे, कंपेनियन दिखे, पार्टनर दिखे, कलीग्स दिखे, सब में जो जो दिख रहा है वो एक्चुअली हमारे अंदर है जो बाहर दिख रहा है। इसलिए हर जजमेंट के साथ हम तीर तो अपने आप को मार रहे हैं, और अब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, सब कुछ बाहर बिगड़ा बिगड़ा सा नजर आता है, वो भी एक स्टेज आता है। तो अनकॉन्शियस गिल्ट तो सेपरेशन का गिल्ट है, जो कि पहला टारगेट पेरेंट्स को बनाएगा, और वहां से शुरू करके वो जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, कोई ना कोई बाहर से आके हमें खटखटा करके, हे देखो तुम्हारे अंदर ये है, देखो तुम्हारे अंदर ये है, ये चीज़ हमें महसूस कराए बगैर नहीं रहेगा। हमको चूज करना है ईगो एज एजेंसी, यानी मैं ईगो के माध्यम से सोच विचार महसूस करना, एक्शन करना, ये करना चाहता हूँ चाहती हूँ, या मैं इसको बिल्कुल छोड़कर गॉड, हर चीज़ तुम्हारी मर्जी, जिस हाल में तुम रखो वो ठीक, मुझे शिकायत ही नहीं करनी, तुम जिस हाल में रखो वो ठीक, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, आज के बाद मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है कि इस मामले में क्या रिजल्ट होना चाहिए, मेरी मर्जी नहीं, तुम्हारी मर्जी। अपने आप से पूछिए क्या आपके लिए ये संभव है। 90% लोग कहेंगे नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि हम ईश्वर से डरते हैं। क्या पता ईश्वर की मर्जी कुछ और हो, नहीं मेरी तो मर्जी ये है, देखो ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसा हो जाए तो मुझे मंजूर नहीं है। इसका मतलब कहीं हमारी धारणा उस ईश्वर के बारे में गलत है। उस ईश्वर के, ईश्वर वह है जिससे कि ओनली 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 गुड आ सकता है। जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि दुनिया में जितना बुरा बुरा हो रहा है वो भी पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बगैर, तो ये बुरा बुरा भी जो हो रहा है समहाउ इसमें भी ईश्वर की मर्जी है, जब तक हम ये सोचेंगे तब तक हम कहीं नहीं जा रहे, हम अटके पड़े रहेंगे। हमारे को उस ईश्वर के बारे में धारणाएं सही करनी होंगी। ईश्वर की हमेशा मर्जी है केवल खुश रहो, केवल स्वस्थ रहो, केवल समृद्ध रहो, केवल ऐसे रहो, मैं जो हूं वो सब तुम रहो, तुम मेरी संतान हो। इसलिए किसी भी तरह की नेगेटिव हालत, लड़ाई झगड़े, तलाक जैसी स्थितियां, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, हेल्थ ब्रेकडाउन, ये सब ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, ये ईगो की देन है। और जब हम कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता ईश्वर की मर्जी के बिना, तो हम ये सोचते हैं कि जो बुरा होता है वो भी ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, नहीं हो रहा है, ईश्वर के पावर से हो रहा है। पावर ईश्वर का है, ईश्वर के उस पावर को मिसयूज कर रहा है ईगो, ईगो के मिसयूज, किसका मिसयूज, ईश्वर के पावर का, यहां से सफरिंग आ रही है। इसलिए अल्टीमेटली उस ईगो को समझकर, और वो ईश्वर के उस पावर को कैसे मिसयूज कर रहा है, हो क्या रहा है, इस चीज को समझकर हमें फॉरगिवनेस या माफी के रास्ते पर चलना होगा। अगले वीडियो में देखेंगे।